गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर विच आपां अगली दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ दा रिलेशन स्टडी करांगे। और ये दो प्रॉपर्टीज़ ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नूं असीं इस तरीके नाल भी शो कर सकते हैं, डेल्टा पी इज़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सो दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगेन उसका मैथड सेम ही रहेगा कि असी जिहड़ी प्रॉपर्टी है उसनों इस तरीके नाल लिखांगे कि साढ़े को एन टू की वैल्यू आ जाए। सो दिस इज़ एक्स टू विच इज़ इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू एंड रफली इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन एंड अगेन एन टू इज़ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नोट इन टू एन वन। और सैकेंड प्रॉपर्टी साढ़े को है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दिस इज़ इक्वल टू के बी इन टू एम, एम इज़ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्वेंट which can be simplified as number of moles of the solute per kilogram of solvent। और अगर weight असी kilogram जगह gram दे विच लै रहे हैं तो सानू 1000 नाल divide करना पएगा to get the weight in kilogram। so इत्थे साढ़े कोल n to the value आ जाएगी delta tb into weight, this is weight of solvent divide by kb into 1000। so from first property we have got the value of n2 and from second property again the value of n2, so we can equate these two values so इस तरीके ना असी लिख सकते हैं एंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और असी डेल्टा टी बी की वैल्यू निकाल रहे हैं सो मल्टीप्लाइड बाय एन वन, एन वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट और जिसनों असी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो साढ़े को ए वैल्यू जी है कैंसल हो जाएगी और साढ़े को रिलेशन आ जाएगा दोनों प्रॉपर्टीज़ के विच सो इतने से सॉल्वेंट लिखने की बजाय एम वन भी लिख सकते हैं क्योंकि असी वन जो है सबस्क्रिप्ट वो सॉल्वेंटली यूज़ कर रहे हैं और टू जो है सल्यूटली यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह असी खोर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेल्टा टी बी पाई एंड डेल्टा टी बी, बिल्कुल उसी तरह ही मैथड असी यूज़ करना है। सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी विच इज़ एन टू अपॉन वी, हेयर वी इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू आर टी। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन टू, सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेल्टा टी बी, सो इसनों भी असी सिंपलीफाई करके एन टू दी फॉर्म दे विच लिख लेंगे सो अगेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एन टू विच इज इक्वल टू डेल्टा TB into W weight of solvent divide by KB into 1000। सो साढ़े को अगेन दो इक्वेशंस बन गए इन टर्म्स ऑफ N2 टू रन से ना दोनों इक्वेट कर देंगे सो ये साढ़े को गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पाई इंटू वी, इतने वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का है डिवाइड बाय आर टी। और अगर असी इसनों ओपन अप करिए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी बी दिस इक्वल टू पाई अपॉन आर टी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 इंटू के बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हुण क्योंकि सोल्यूशन साढ़े को डायल्यूट है सोल्यूशन
that for dilute solution we can approximate volume of solution is roughly equal to volume of solvent. So इतने solution की जगह से solvent लिख सकते हैं तो साढ़े कुल की बन जाएगा weight of solvent, volume of solvent. So weight upon volume is density of solvent. So we can write delta TB is equal to pi upon RT into 1000 into KB and this value when we write solvent here this is density and density of solvent. So इतना सारे को लिखो correlation आ गया है between two properties. These properties are osmotic pressure and elevation in boiling point. Similarly ऐसी delta TF और pi दे विच रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो एग्जैक्टली मतलब सिमिलर रिलेशन बनेगा. इतने डेल्टा टी एफ आ जाएगा और इतने के बी जगह पे के एफ आ जाएगा. बाकी सारा पार्ट जो है सेम होएगा. सो हूँ असं इस नाल लिंक्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं. तो मेरे को न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल जो है थोड़ी बुक के विच दिते हुए एक्चुअली बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स ने. जिसमें एक न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर. मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म विच पाई लिख रही हैं एट 0 degree centigrade ऑफ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हुज मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन टू बी इक्वल टू 60 एंड आर value of R given is 0.0821 liter atmosphere per degree per mole. So सानू जो R दी value दिती हुई है असी इसे नू ही use करना है. Calculate pi, osmotic pressure से find out करना है. Pi we know is equal to CRT which can be written as N2 upon V into RT. So N2 is number of moles of solute. Solute given is urea and 5% solution means 5 gram of urea in 100 ml of solution. तो 100 ml दे विच 5 gram है और अगर से 1000 ml दे विच लवांगे तो ये हो जाएगा साढ़े को 50 gram in 1000 ml और वी कैन से 50 ग्राम पर लीटर. सो अगर 6 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 50 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड है. तो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. N2 इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द न्यूमेरिकल. दिस इज 60. सो दिस इज N2 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर. सो वी कैन कैलकुलेट पाई N2 अपॉन V इनटू RT. So N2 is 50 upon 60. R we have to use 0.0821. Temperature is 0 degree centigrade. But here we have to use in Kelvin because R is degree Kelvin actually. So this is 273 Kelvin and divided by volume of solution which is nothing but 1 liter. So by calculation we get the value. And the value comes out to be equal to 18.677. और इसे यूनिट्स की होंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ आर. हेयर प्रेशर गिवन इन एटमॉस्फेयर. सो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑब्वियसली द यूनिट्स आर एटमॉस्फेयर. इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है. This is a 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of unknown compound. So calculate
मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड. सो लेट द अननोन कंपाउंड इज एक्स. आइसोटोनिक मीन्स दोनों द जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है. सो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू एंड पाई वन इज इक्वल टू सी वन आर टी. सो दिस इक्वल टू सी टू आर टी. टेम्परेचर सन गिवन नहीं है बट इट इज एज्यूम्ड कि जो न्यूमेरिकल दिया गया है और जो कंडीशन दिए हुए हैं दे आर अंडर द सेम टेम्परेचर कंडीशन. सो आर टी वैल्यू सेम है. इट मीन्स सी वन इज इक्वल टू सी टू. सो सी वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर लीटर. सो हेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट ऑफ इफ द सल्यूट इज एक्स हेयर सल्यूट इज सुक्रोज. और इतने से पर लीटर की गल कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी असं सेम लै रहे हैं तो ये भी कैंसल हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज. और इस साइड पर आ जाएगा वेट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स. सो वेट ऑफ सुक्रोज वेट सानू कितना दिता हुआ है 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज मीनस 100 ml दे विच 4 g डिजॉल्ट है पर क्योंकि असी वॉल्यूम लीटर एज्यूम कर रहे हैं तो यह 40 g हो जाएगा पर लीटर. सो वेट इज़ 40 और मॉलिकुलर वेट जो है सुक्रोज का सानू दिता हुआ इतने न्यूमेरिकल दे विच मॉलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज इज 342. सो दिस इज 342. और इस तरह वेट ऑफ एक्स वेट जो अननोन सल्यूट है उसका वेट कितना डिसॉल्व है दिस इज 3%. 3% मीन्स 100 ml कंटेन्स 3 g क्योंकि असी दोनों के वॉल्यूम इक्वल एज्यूम किए हैं तो असी इतने लीटर विच एज्यूम किए तो यह भी असी वॉल्यूम लीटर विच ही एज्यूम किया होगा. तो 3% का मतलब की है 100 ml विच 3 g. सो 1000 ml मीनस 1 l विच 30 g. सो इतने असी वेट लवेंगे 30 और वी हैव टू कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट. सो इट मीन्स मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 30 × 342/40. सो दिस कम्स आउट टू बी 256.5. सो दिस इज मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन सल्यूट. सो इस तरह बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स ने. तुसी होर भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो और ट्राई करो न्यूमेरिकल्स. अगर नहीं समझ आता तो तुसी मैनू ग्रुप दे विच या गूगल क्लासरूम विच तुसी अपनी प्रॉब्लम्स पाओ और आपा फेस नू सॉल्व करांगे.